अब हम लोग अपना अगला चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन। अब ये चैप्टर बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ खास यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है जो कि समझने जैसा हो, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो हैं वो प्रैक्टिकल चीज़ हैं एंड उनको यहाँ पर समझना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही यहाँ पे प्रैक्टिकल बेस्ड चैप्टर है। वाई? बिकॉज इसमें से जो मैक्सिमम चीज़ें हैं वो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, एंड ये चीज़ शायद मैंने इसके पहले भी किसी और एक चैप्टर में इसको समझाया था, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, बट यही चीज़ मैंने पहले के भी किसी चैप्टर में यहाँ पे समझाया हुआ है। एनीवेज हम लोग इसको दोबारा से करते हैं। तो अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? जब मैंने पहला चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पे मैंने ये कहा था कि जो इंटरप्रिटेशन होता है और जो कंस्ट्रक्शन होता है इसमें एक बहुत ही मेजर डिफरेंस नहीं होता, बस एक बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, और वो ये है कि जो भी मतलब इंटरप्रिटेशन जो होता है वो सिर्फ किसी चीज़ का मीनिंग्स समझने तक ये होता है, लिमिटेड होता है, बट जो कंस्ट्रक्शन होता है वो अपार्ट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग वो उस चीज़ को मतलब एक प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करना, उस चीज़ को समझ करके उसके ऊपर में एक कंक्लूजन निकालना, वो उन सभी चीज़ों को भी यहाँ पे लेकर के चलता है। सो बेसिकली इंटरप्रिटेशन जस्ट मीन्स टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड कंस्ट्रक्शन मीन्स कि हम उस मीनिंग को समझ करके उससे कुछ कंक्लूजन वगैरह निकाल रहे हैं और उन कंक्लूजन्स को निकाल करके हम लीगल जो हम मतलब ये जो हमारा जो लीगल यहाँ पे स्फीयर है हम वहाँ पे कुछ कर रहे हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है ये चैप्टर में भी कंस्ट्रक्शन वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, बट दैट डजेंट मीन कि यहाँ पे हम इंटरप्रिटेशन वर्ड को नहीं यूज़ कर रहे हैं। हमने सिर्फ एक मतलब क्योंकि इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन के बीच में एक बहुत ही माइनर डिफरेंस है, एंड वो भी यही है कि इंटरप्रिटेशन से मतलब इंटरप्रिटेशन के बाद कंस्ट्रक्शन चालू होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीज़न रियल लाइफ में हम लोग इंटरप्रिटेशन एंड जो ये है बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन है हम उसको एक ही तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें कुछ खास डिफरेंशिएशन वहाँ पे नहीं किया जाता। ओके, तो ये मैं पहले से यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ। अब ये जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन है ये बेसिकली दो चैप्टर था, बट इसको दो चैप्टर करके कुछ लाभ नहीं है, दैट इज़ नो मतलब इसको करके कुछ हमें मिलेगा नहीं अलग अलग चैप्टर से अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सो इसी वजह से इसको मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर में यहाँ पे करके दे दिया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये एड्स टू कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो जब भी हम किसी स्टैट्यूट को पढ़ते हैं तो हर एक स्टैट्यूट का एक पर्टिकुलर फीचर होता है जो कि उसमें रहता है। ठीक है, अब वो जो फीचर होता है वो उस स्टैट्यूट को हमें यहाँ पे पढ़ने में मदद करता है। जैसे हम किसी भी अगर बेयर एक्ट उठा करके देखें तो बेयर एक्ट में हमें बहुत कुछ कॉमन मिलेगा, जैसे जो उसका सेक्शन टू जो होता है वो हर एक बेयर एक्ट में वो वहाँ पे डेफिनेशंस दिए हुए रहते हैं। फिर अगर उसके बाद में बात करते हैं तो हर एक बेयर एक्ट का एक प्रियम्बल होता है, फिर हर एक बेयर एक्ट के जितने भी सेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे सेक्शंस के पहले ओल्ड में एक सेक्शन का इंट्रोडक्शन वगैरह एक छोटा सा 2-3 words में वो दिया हुआ रहता है। तो यही सब एड्स टू कंस्ट्रक्शन होते हैं, मतलब बेसिकली किसी भी बेयर एक्ट को समझने के लिए हम इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ हैं जो कि हमें बेयर एक्ट को समझने में मदद करती हैं एंड इसीलिए हम इसे इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स टू कंस्ट्रक्शन यहाँ पे कहते हैं। अब कंस्ट्रक्शन करना या फिर किसी भी स्टैट्यूट का मतलब समझना, उसके लिए हमें उस स्टैट्यूट को पढ़ना होता है एंड उसको पढ़ते वक्त ये इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स जो हैं ये हमें मदद करते हैं। अब ये जो इंटरनल एड होता है ये उस स्टैट्यूट के अंदर ही रहता है, जैसे प्रियम्बल हो गया, लॉन्ग टाइटल हो गया, चैप्टर हेडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। और जो एक्सटर्नल एड होता है वो उस स्टैट्यूट में नहीं दिया हुआ रहता है, हम बाहर से दूसरे सोर्सेज को इस्तेमाल करके
उसका जो मीनिंग है उसको समझते हैं। तो इंटरनल एड्स का मतलब होता है जो कि उस स्टैट्यूट के अंदर में ही है और वो उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो जो सबसे पहला है वो है यहाँ पे शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल का मतलब जैसे हर एक बेयर एक्ट का अपना एक टाइटल होता है, जैसे द इंडियन पिनल कोड, द इंडियन एविडेंस एक्ट, द कंपनीज एक्ट ऑफ 2013। तो ये जो टाइटल होता है ये सबसे पहला इंटरप्रिटेशन का हमारा यहाँ पे, इसको हमें वी कैन कॉल दिस एज अ टूल ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ इंटरप्रिटेशन। किसी भी एक्ट का जब हम नाम सुनते हैं या फिर उसका जब हम शॉर्ट टाइटल सुनते हैं तो उसी टाइम पीरियड पे हमें ये समझ में आ जाता है कि भाई ये एक्ट किस चीज़ से यहाँ पर रिलेटेड है। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट का नाम सुनते ही हमें समझ में आ जाएगा कि इंडिया के अंदर में एविडेंस के रिगार्डिंग ये लॉ बनाया गया है। फिर अगर बात करते हैं कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में, तो कंपनीज एक्ट 2013 का नाम सुनते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये जो है ये इंडियन कंपनीज़ को यहाँ पर गवर्न करता है। तो बेसिकली जो सबसे पहला यहाँ पे सोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन या फिर बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है वो हमारा शॉर्ट टाइटल ही होता है। ठीक है, किसी भी बेयर एक्ट का या फिर किसी भी लॉ का टाइटल पढ़ के ही हम उसका अच्छा खासा मीनिंग समझ सकते हैं। इसके बाद आता है लॉन्ग टाइटल। अब लॉन्ग टाइटल एंड शॉर्ट टाइटल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो बेसिकली ये जो लॉन्ग टाइटल होता है, अब जैसे बहुत सारे बेयर एक्ट में जैसे जो सीआरपीसी था तो सीआरपीसी में लिखा हुआ था एन एक्ट टू अमेंड एंड इनएक्ट द लॉ रिलेटिंग टू ये क्रिमिनल प्रोसीजर्स। तो ये एक लॉन्ग टाइटल वहाँ पे दिया रहता है कि और थोड़ा डिटेल में बताने के लिए, बट मतलब शॉर्ट टाइटल से थोड़ा और डिटेल एंड पूरे बेयर एक्ट से बहुत ही समराइज्ड उस तरीके से ये जो लॉन्ग टाइटल होता है ये बेसिकली उसका एक छोटा सा स्कोप या फिर उसका थोड़ा बहुत मीनिंग बताने के लिए ये रहता है। मतलब शॉर्ट टाइटल से ज़्यादा हमें लॉन्ग टाइटल में जो है वो चीज़ें यहाँ पे समझ में आती हैं। ठीक है, लॉन्ग टाइटल बेसिकली एक और ही मतलब दैट इज़ अ मोर इलैबोरेटेड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फिर इसके बाद में आता है जैसे हम कहते हैं प्रीएम्बल, जो कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी है एंड इसके अलावा दूसरे जगहों में भी ये दिखाई देता है। अब ये जो प्रीएम्बल है ये हर एक लॉ में नहीं रहता, ठीक है, ये बहुत कम लॉज होते हैं जहाँ पे ये प्रीएम्बल रहता है। ठीक है, एंड ये प्रीएम्बल क्या करता है, ये भी मतलब जैसे जो लॉन्ग टाइटल था वो बस एक लाइन में यहाँ पे बता देता था, बट जो प्रीएम्बल है वो थोड़ा और डिटेल तरीके से उस लॉ के बारे में हमें यहाँ पे बताता है। ठीक है, अब बहुत जगहों पे या तो लॉन्ग टाइटल रहेगा या तो प्रीएम्बल रहेगा या फिर दोनों ही रह सकता है। इसमें कोई ये नहीं है कि प्रीएम्बल रहेगा तो लॉन्ग टाइटल नहीं रहेगा, वैसा कुछ यहाँ पे नहीं है। बट जो प्रीएम्बल है वो बेसिकली उस एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव होता है या फिर उस एक्ट का जो बेसिकली उस एक्ट को यहाँ पे क्यों बनाया गया है ये हम प्रीएम्बल में देखते हैं एंड लॉन्ग टाइटल में बेसिकली उस एक्ट के अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है मार्जिनल नोट्स। अब ये जो मार्जिनल नोट्स होता है ये जैसे हम इसको नॉर्मल तरीके से जो है वो सेक्शन का हेडिंग कह सकते हैं। जैसे हम किसी भी बेयर एक्ट को अगर देखते हैं तो फॉर इंस्टेंस अगर हमें किसी भी अब जैसे अगर हमें कोई भी बेयर एक्ट को हम उठाएं तो उस बेयर एक्ट का हर एक सेक्शन के पहले बोल्ड में 2-3 वर्ड्स वहाँ पे लिखा रहता है या फिर बोल्ड में एक वहाँ पे फ्रेज लिखा रहता है और ये जो फ्रेज होता है ये बेसिकली हमें पहले ही यहाँ पे एक इंडिकेशन दे देता है कि ये जो सेक्शन है ये किस टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे बात करेगा। तो ये जो मार्जिनल नोट्स है ये बेसिकली हमें सेक्शन के बारे में बता देता है, हमें पूरा सेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ वो मार्जिनल नोट को ही पढ़ करके हम समझ सकते हैं कि ये जो सेक्शन है ये किस टॉपिक के ऊपर में यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर। अब चैप्टर का बेसिकली मतलब क्या होता है, अ चैप्टर इज़ अ ग्रुप ऑफ सेक्शंस रेफरिंग टू द सेम टॉपिक। अब जैसे
इंडियन एविडेंस एक्ट में जो था कि उसके शायद सेक्शन 90 से लेकर के डॉक्यूमेंटरी एविडेंस सेक्शन 90-100 जो था, वो डॉक्यूमेंटरी एविडेंस के ऊपर में वो सारे सेक्शंस वहाँ पे बात करते थे। फिर जो अभी हमने फैक्ट्रीज एक्ट में देखा था कि फैक्ट्रीज एक्ट के केस में हमारा जो हेल्थ वाला प्रोविजन्स था, फिर वेलफेयर वाला प्रोविजन्स था, ये सब भी एक चैप्टर के अंदर में ही था। तो बेसिकली जितने भी सेक्शंस एक ही टॉपिक से वहाँ पे वो लोग रिलेट करते हैं, तो उनको हम एक ग्रुप में बांट देते हैं, मतलब उनको एक ग्रुप में हम लोग डाल देते हैं, एंड उस ग्रुप को हम लोग कहते हैं चैप्टर। ठीक है, और वो जो चैप्टर होता है उसका भी अपना एक हेडिंग होता है, मतलब चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबका वैसा ही हो, चैप्टर नंबर 13A, चैप्टर नंबर 13B, ऐसे भी हो सकता है, एंड उस चैप्टर का टाइटल भी रहता है। तो हम किसी चैप्टर का हेडिंग और टाइटल देख के भी समझ सकते हैं कि इस चैप्टर के अंदर में जितना भी सेक्शन है वो इस मैटर को यहाँ पे रिलेट करेगा। ठीक है, इसके बाद आता है डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब ये डेफिनेशन एंड इंटरप्रिटेशन क्लॉज बेसिकली उस बेयर एक्ट का एक डिक्शनरी होता है कि इस बेयर एक्ट में जितने भी वर्ड्स स्टेटेड हैं उनका यहाँ पे मतलब क्या होता है। जैसे कि मैंने बताया हुआ था कि जो बेयर एक्ट होता है, मतलब अब जैसे एक वर्ड है बॉल, ठीक है, अब एक वर्ड है बॉल, अब बॉल का सिंपल मतलब क्या होता है, एक खेलने की चीज़ जो कि गोल रंग की होती है। बट अगर हम कभी फुटबॉल खेलते वक्त बॉल के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे बॉल का मतलब हमेशा एक ब्लैक एंड वाइट रंग का बॉल ही आएगा जो कि काफ़ी साइज़ में बड़ा होगा। फिर अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में एक हार्ड ड्यूस बॉल का वहाँ पे ये आए, मतलब हार्ड ड्यूस बॉल को हम लोग क्रिकेट में यूज़ करेंगे। फिर जब हम लोग बात करते हैं बास्केटबॉल के बारे में तो वहाँ पे भी एक हार्ड बॉल होगा, बट वो हार्ड बॉल का जो सरफेस होगा वो काफ़ी रफ होगा। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके बारे में टेनिस के बारे में, तो जो टेनिस का बॉल होगा वो ग्रीन कलर का होगा, एंड उसके ऊपर में कुछ वहाँ पे एक स्ट्राइप जैसा बना होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में तो जो है वो बॉल का मतलब यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो कि खेलने के लिए इस्तेमाल होता है वो होता है। बट अगर हम स्पेसिफिकली बात करते हैं तो हर एक स्पोर्ट में जो बॉल है उसका मतलब अलग होता है। ठीक है, जैसे एक कंपनी जो है, कंपनी का नॉर्मल मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे लोग एक साथ पैसा लगाते हैं एंड उसके शेयर्स में कंट्रीब्यूट करके उसी में से जो प्रॉफिट्स होगा वो लोग उसमें से उसका जो है वो शेयरिंग करते हैं। तो ये होता है नॉर्मल कंपनी का मतलब। बट कंपनीज एक्ट में कंपनी का डेफिनेशन कुछ और दिया है, एंड जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें कंपनी का डेफिनेशन कुछ और दिया है। अब ये जो हर एक एक्ट के हिसाब से हर एक वर्ड का जितना भी चीज़ हमें ज़रूरी है या फिर जितना हद तक हमें डेफिनेशन ज़रूरी है वो सारा का सारा इस डेफिनेशन क्लॉज में ही दिया हुआ रहता है। तो डेफिनेशन क्लॉज बेसिकली क्या है कि किसी भी बेयर एक्ट के अंदर में जो भी टर्म्स वहाँ पर बार बार यूज़ किए गए हैं उन टर्म्स के बारे में एक डिक्शनरी बना करके देना, जहाँ पे नॉर्मल मीनिंग ना भी हो बट जो उस एक्ट के लिए जितना मीनिंग ज़रूरी है वो वहाँ पे ये रहेगा, स्टेटेड रहेगा। ठीक है, इसके बाद में आता है प्रोवाइजो। अब ये जो प्रोवाइजो होता है ये एक तरीके का एक्सेप्शन होता है। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया कि द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन शैल अप्लाई टू All types of companies, provided that a Section 8 company shall not be under the ambit of this section. तो ये जो provided that word का यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है ये एक exception है, मतलब ये सारी चीज़ें इस पे apply करेगी but ये नहीं करेगा। तो ये जो exception होता है इसको हम लोग law में proviso बोलते हैं, and इसे हम provided that word से use करके इसको यहाँ पे denote किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन। अब जो इलस्ट्रेशन होता है वो एक एग्जांपल होता है। जैसे इंडियन पिनल कोड में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे कि एक क्या करता है, एक आदमी को हाईवे पे डरा करके उससे पैसे वो उससे छीन लेता है। तो ये सब एग्जांपल होता है जो कि जिसे हम लोग इलस्ट्रेशन कहते हैं। लेकिन जो एक्सप्लेनेशन होता है वो उसका एक और डिटेल्ड तरीके से उसको हम लोग बताते हैं वहाँ पे। तो एक्सप्लेनेशन इज़ अ मोर डिटेल्ड
व्हाट वी गोना, मतलब मैं क्या करूँ, एक और डिटेल तरीके से हम उसको डिफाइन या फिर उसको हम इलैबोरेट करते हैं, बट जो इलस्ट्रेशन होता है वो एक सिंपल एग्जांपल होता है, ठीक है। फिर एक्सेप्शन एंड सेविंग क्लॉज, तो ये जो एक्सेप्शन, अब देखो ये जो एक्सेप्शन होता है और जो प्रोवाइजो होता है वो दोनों ही एक ही काम करता है, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सेप्शन होता है उसका एक काफ़ी वाइडर टर्म है, मतलब दोनों को ही हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं, बट एक्सेप्शन जो है वो एक काफ़ी बड़े स्केल पे इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 एक्सेप्शंस हैव बीन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 300 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 विच डील्स विद दोज एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज व्हेन कल्पेबल होमिसाइड इज नॉट मर्डर। सिमिलरली अ सेविंग क्लॉज इज जनरली अपेंडेड इन केस ऑफ रिपील एंड री इनैक्टमेंट ऑफ अ स्टैट्यूट। इट इज नॉर्मली अपेंडेड इन द रिपीलिंग स्टैट्यूट एंड इट्स ऑब्जेक्ट इज दैट द राइट ऑलरेडी क्रिएटेड अंडर द रिपील्ड इनैक्टमेंट इज नॉट डिस्टर्ब। तो ये जो एक्सेप्शंस एंड सेविंग क्लॉजेस होते हैं ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन ही है या फिर एक एग्जेम्पशन ही है, एंड प्रोवाइजो एंड इन दोनों को हम लोग एक अलग अलग तरीके से यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों में कोई यहाँ पे ये नहीं है कि ये चीज़ ऐसे होगा तो वो, मतलब इन दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है। फिर बात आता है स्केड्यूल्स का, तो स्केड्यूल्स का क्या होता है कि मेन बेयर एक्ट के साथ इनको यहाँ पे जोड़ करके दे दिया जाता है। बट अब इनको यहाँ पे जोड़ने की ज़रूरत क्या है, तो इसलिए इनको जोड़ा जाता है क्योंकि बेयर एक्ट के अंदर में हर एक इन्फॉर्मेशन एकदम से दे पाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। एंड इससे भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि हो सकता है कि अच्छे खासे लॉज में जो है अमेंडमेंट्स ना हो, बट अगर बात करते हैं कॉरपोरेट वर्ल्ड के, तो कॉरपोरेट वर्ल्ड में हर महीना ही अमेंडमेंट आता है। अब अमेंडमेंट जो है वो अगर हमें लाना है तो वो अगर हमें मेन बेयर एक्ट में लाना पड़ा तो हमें जितना बार भी अमेंडमेंट लाना होगा हमें उतना बार जो है वहाँ पे पार्लियामेंट में डिस्कशन वगैरह करवा करके बिल पास करवाना पड़ेगा, उसे प्रेसिडेंट से साइन करवाना पड़ेगा। एंड इतना बार सिर्फ छोटे मोटे मैटर्स के लिए वो करना यहाँ पे मतलब दैट इज़ नॉट, वो प्रैक्टिकेबल नहीं है और उसकी ज़रूरत भी नहीं है। तो उन्हीं सारे केसेस में स्केड्यूल्स हमारा काम आता है। स्केड्यूल्स में क्या होता है कि स्केड्यूल्स को अगर हमें अमेंड करना है तो उसके लिए पार्लियामेंट में कोई मीटिंग वगैरह या फिर डिस्कशन करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्केड्यूल्स में जो चीज़ लिखा हुआ है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर जो भी वहाँ पे गवर्नमेंट है वो एक नोटिफिकेशन ला करके उसे वो आराम से अमेंड कर सकती है। तो इस कारण की वजह से अगर कोई भी चीज़ स्केड्यूल में दिया हुआ है तो उसको अमेंड करना काफ़ी आसान होता है। तो इसी वजह से स्केड्यूल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। स्केड्यूल्स इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ द बेयर एक्ट। वाई? बिकॉज बेयर एक्ट में अगर सब कुछ दे दिया गया तो उसको अमेंड करना मुश्किल हो जाएगा। एंड लास्ट में आता है पंचुएशन। पंचुएशन का बेसिकली मतलब होता है, अब देखो पंचुएशन मार्क्स जो होते हैं, यहाँ पे कॉमा हो गया, सेमी कोलन हो गया, फुल स्टॉप वगैरह, तो ये सभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करते हैं। क्यों? क्योंकि पंचुएशन मार्क अगर थोड़ा बहुत भी यहाँ से वहाँ हुआ तो ये बहुत बड़ा यहाँ पे एक ये कर सकता है, मतलब बहुत एक अलग मीनिंग उसका निकल सकता है। तो पंचुएशन मार्क्स भी हमें इंटरप्रेट करने में या फिर कंस्ट्रक्ट करने में मदद करते हैं। एंड नॉन ऑब्स्टेंस क्लॉज जो है वो लास्ट का क्लॉज है जो कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग, मतलब ये भी एक तरीके का एक्सेप्शनल क्लॉज ही यहाँ पे है, मतलब बेसिकली एक ओवरराइडिंग इफेक्ट देने के लिए ये काम आता है, ठीक है। ये भी एक तरीके का एक्सेप्शन ही यहाँ पे है। ये सब था इंटरनल कंस्ट्रक्शन, मतलब बेसिकली किसी भी स्टैट्यूट के अंदर में जो सारी चीज़ें होती हैं जो कि उस स्टैट्यूट को समझने में मदद करती हैं। अब एक स्टैट्यूट को समझना सिर्फ उसके अंदर के ही चीज़ों से मतलब हमेशा ये नहीं होता है, हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि सिर्फ उस स्टैट्यूट की जो अंदर में जो उसके फीचर्स दिए हुए हैं उन फीचर्स से हम उन स्टैट्यूट के बारे में समझ सकें। बहुत केसेस में हमें समझने के लिए बाहरी सोर्सेस या फिर एक्सटर्नल एड्स का भी यहाँ पे सहारा लेना पड़ता है। सो टू फाइंड द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर देयर एग्जिस्ट्स मेनी रूल्स प्रिंसिपल्स एंड एड्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स अपार्ट फ्रॉम द इंट्रिंसिक एड्स सच एज प्रीएम्बल एंड परव्यू ऑफ द एक्ट द कोर्ट कैन कंसिडर
रिसोर्सेज आउटसाइड द एक्ट। मतलब बेसिकली अगर कभी किसी भी लॉ को समझने में मुश्किल होती है तो अपार्ट फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज एक्सटर्नल सोर्सेज को भी इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है हम लोग मीनिंग को समझ सकते हैं। तो जो सबसे पहला वाला यहाँ पे है वो है डिक्शनरीज। अब डिक्शनरी तो नॉर्मली जो नॉर्मल डिक्शनरी होता है वो, तो अगर कभी किसी वर्ड का हमें यहाँ पे मतलब समझ में नहीं आया है तो उस वर्ड को समझने के लिए हम डिक्शनरी में इस्तेमाल हम डिक्शनरी में उसका वर्ड का जो मीनिंग है वो देख सकते हैं। बट यहाँ पे भी ध्यान में रखना है वो ये है कि भले ही उसका मीनिंग कुछ और निकलता हो या फिर जनरल मीनिंग कुछ और हो, लेकिन उस जनरल मीनिंग को भी अप्लाई करते वक्त हमें स्टैट्यूट के हिसाब से ही उसको वहाँ पे अप्लाई करना होगा। मतलब हो सकता है कि किसी स्टैट्यूट के लिए जैसा उसका मीनिंग होना चाहिए वो वैसा एकदम नहीं है, बट डिक्शनरी में उसको रिफ़र करने के बाद जो मीनिंग निकल रहा है उसको एकदम से उसी के ऊपर में अप्लाई कर देना यहाँ पर ठीक नहीं है। उस मीनिंग को जो कि डिक्शनरी से भी निकला है उसको भी स्टैट्यूट के ही हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे एडजस्ट करके ये करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सो द कोर्ट्स टेक रिकॉर्ड्स ऑफ सच हिस्टोरिकल फैक्ट्स एंड सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेज विच एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ पासिंग ऑफ द स्टैट्यूट्स एज मे बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैट्यूट। अब किसी भी स्टैट्यूट को यहाँ पे समझते वक्त हमें उस स्टैट्यूट का एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी यहाँ पे देखना पड़ता है कि वो स्टैट्यूट किस टॉपिक के ऊपर में ये दिया गया है। तो उस टॉपिक के ऊपर में उस लॉ को बनाने से पहले हिस्ट्री में क्या क्या चीज़ें वहाँ पे हुई थी या फिर कौन कौन सी चीज़ें थी जो कि उस स्टैट्यूट को बनाने के लिए मतलब पार्लियामेंट को उसने मजबूर किया। अब जैसे अगर मैं बात करता हूँ जीएसटी एक्ट का, तो ये जो जीएसटी एक्ट है इसको समझने के लिए हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को भी देखेंगे और उसमें हमें ये पता चलेगा कि जीएसटी के पहले जो हमारे यहाँ पे जो भी लॉज थे वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थे और एक ही सब्जेक्ट मैटर के लिए बहुत सारे लॉज वहाँ पे अप्लाई हो जाते थे। कोई भी चीज़ जब बिकता था तो उसके ऊपर में इतने सारे टैक्सेस होते थे कि टैक्स देना तो छोड़ो, कौन सा टैक्स उस पर लगाया जाएगा एंड एट द एंड ऑफ द डे कितना टैक्स का लायबिलिटी आना चाहिए ये भी समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए जीएसटी को बनाया गया। तो बहुत सारे मतलब देखो हर एक लॉ जो बनता है उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजंस ज़रूर होती हैं, तो उन रीजंस को भी देख करके हम लोग ये समझ सकते हैं कि वो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो क्या था और ऐसा क्या हुआ था हिस्ट्री में जिसको छोड़ करके कि वो स्टैट्यूट को वहाँ पर बनाया गया, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। द सुप्रीम कोर्ट एनन्सिएटेड द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री एज इन इंग्लिश कोर्ट्स, बट द कोर्ट यूज्ड दिस एड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ कंस्ट्रक्शंस इन मेनी ओकेजन्स। द कोर्ट हैज़ नाउ चेंज्ड द व्यू दैट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री विद इन सर्कमस्पेक्ट लिमिट्स मे बी कंसल्टेड बाई कोर्ट्स इन रिजॉल्विंग एम्बिग्विटीज। अब ये देखो ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, इसके बीच में डिफरेंस ये है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उस सिचुएशन का या फिर उस रीजन के हिस्ट्री को हमें स्टडी करता है और जो यहाँ पे पार्लियामेंट्री हिस्ट्री है ये पार्लियामेंट्री हिस्ट्री उस टॉपिक को मतलब बेसिकली वो पार्लियामेंट में वो लॉ कैसे आया, कैसे पास हुआ, उसको कितने वोट्स मिले, उसको कब लोकसभा से ये किया गया, कब राज्यसभा से किया गया, तो ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री में आती है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब लॉ के पास होने के भी पहले कौन कौन सी वो चीज़ें थी जिसने उस लॉ को ये पास करने के लिए मजबूर किया था, ठीक है। इसके बाद आता है रेफरेंस टू अदर स्टैट्यूट्स। अब देखो एक लॉ को समझने के लिए हमें दूसरे लॉ को भी समझना जरूरी है जो कि उसी टॉपिक के ऊपर में रिलेट करता है। अगर कभी भी किसी आदमी को कोई लॉ समझते वक्त दिक्कत आ रही है, कोई स्टैट्यूट समझते वक्त अगर दिक्कत आ रही है, तो वो आदमी क्या कर सकता है कि उस स्टैट्यूट को समझने के लिए उसी स्टैट्यूट से जो मिलते जुलते स्टैट्यूट्स हैं जो कि उसी टॉपिक को कवर अप करते हैं वो उसको भी वहाँ पर देख सकता है, उसके हिसाब से भी वहाँ पे इंटरप्रिटेशन जो है वो कर सकता है। तो ये जो स्टैट्यूट्स जो कि उसी टॉपिक के ऊपर में होते हैं हम उन्हें कहते हैं स्टैट्यूट्स इन एरी मटेरिया, ठीक है। मतलब जो स्टैट्यूट सेम सब्जेक्ट मैटर को डील करते हैं हम उन्हें स्टैट्यूट्स इन पैरी मटेरिया कहते हैं। अब जैसे
आईपीसी जो है और सीआरपीसी जो है और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था, ये सारे के सारे एक ही टॉपिक के ऊपर में है, जो कि है यहाँ, जो कि है क्या बोलते हैं, जो कि क्रिमिनल लॉ है। तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैट्यूट्स इन पैरिमेटेरिया, मतलब दो या दो से ज़्यादा लॉज जो कि एक ही टॉपिक को कवर अप करते हैं, ठीक है। फिर रेफरेंस टू रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज़। अब देखो, कोई भी लॉ अगर वो एक बहुत ही हिस्टोरिकल लॉ है या फिर एक ऐसा लॉ है जो कि बहुत सारे इसके बाद में बनाया गया है, तो उस लॉ को बनाने के लिए एक कमिटी पहले बनाई जाती है, जो कि जा करके देखती है कि कौन कौन सा प्रॉब्लम वहाँ पे है एंड उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो ये जो कमिटी होती है, ये कमिटी अपने हिसाब से रिसर्च वगैरह करती है एंड उस रिसर्च के ही बेसिस पे वो लॉ बाद में बनता है। तो अगर कोई आदमी किसी लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है या फिर लॉ को समझने की कोशिश कर रहा है, तो वो ये जो कमिटी रिपोर्ट्स थी, इन कमिटी रिपोर्ट्स को भी वो वहाँ पे देख सकता है और उससे भी समझ सकता है कि ये जो लॉ बनाया गया, ये लॉ को बनाने के पीछे क्या क्या यहाँ पे कारण था और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रख करके ये लॉ को यहाँ पे बनाया गया था। तो ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकता है। इसके बाद है यूज़ ऑफ फॉरेन डिसीजंस। तो जो अगर सेम सब्जेक्ट मैटर के ऊपर में फॉरेन में भी अगर कोई ये डिसीज़न वगैरह दिया गया है, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पे देखी जा सकती है। जैसे हमारे देश में बहुत सारे ऐसे केस लॉज हैं, जैसे जो लॉ ऑफ टॉर्ट्स का जो सबसे बेसिक ये था, रिलेंट्स एंड फ्लेचर, ये बहुत हद तक हमारे देश में अप्लाई होता है। फिर कंपनी लॉ का जो सबसे फेमस केस लॉ है, जो कि है सोलोमन वर्सेस सोलोमन, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि विदेशी है, बट वो फिर भी हमारे देश में अप्लाई होता है। फिर इसी के साथ ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग एंड कंपनी लिमिटेड, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट केस लॉ है जो कि हुआ तो विदेश में था, बट ये सारे हमारे देश के लॉ को भी बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं। एंड स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन, द स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजन एज वेल एज द नोट्स ऑन क्लॉजेस ऑफ द बिल कैन बी मेल यूज ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स इफ द सेम हैव बीन अडॉप्टेड बाय द पार्लियामेंट विदाउट एनी चेंजेस इन इनएक्टिंग द बिल। अब जब भी कोई बिल आता है, तो बिल के ऊपर में कुछ कमेंट्रीज वगैरह या फिर कुछ नोट्स वगैरह दिए रहते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी लॉ जब बनता है, कोई भी बेयर एक्ट जब लॉ बनता है, तो उसके पहले उसमें बहुत सारे उसमें मतलब उसका एक बिल बनाया जाता है, फिर वो जो बिल है वो दोनों हाउसेस में पास होता है एंड आफ्टर दैट वो एक लॉ का रूप लेता है। तो ये जो बिल था, ये बिल को हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी स्टैट्यूट के बारे में समझने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है कि कोई बिल आता है एंड वो बिल ऐसे ही पास हो जाता है, बट बहुत टाइम पे ये भी होता है कि जो बिल आया उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए। तो वो चेंजेस होने से पहले क्या था, वो चेंजेस जब हुआ तो क्या क्या उसमें जो है वो कमेंट्री वगैरह किया गया, तो ये सारी चीज़ें भी इसके ऊपर में हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये था इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स, मतलब किसी भी स्टैट्यूट को समझने के लिए जो इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो इसके अंदर में था। इसके बाद जो आता है वो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कि अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द कोर्ट कैन लुक इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स असेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। मतलब बेसिकली इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स को हम लोग किस टाइम पे देखेंगे या फिर ये जो सारी चीज़ें हैं इसको हम लोग मतलब इसको बेसिकली हम लोग को मतलब कौन सा सिचुएशन होगा जब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आता है प्रियम्बल एंड लॉन्ग टाइटल। तो ये जो प्रियम्बल एंड लॉन्ग टाइटल होता है, इसको हम लोग यहाँ पे कब देखते हैं, एक सेकेंड। सो द ट्रू प्लेस ऑफ अ प्रियम्बल इन अ स्टैट्यूट वॉज एट वन टाइम द सब्जेक्ट ऑफ कन्फ्लिक्टिंग डिसीजन। इन मिल्स वर्सेज विल्किंस द प्रियम्बल ऑफ अ स्टैट्यूट इज नॉट पार्ट देयर ऑफ बट कंटेन्स जनरली द मोटिव्स और इंड्यूसमेंट देयर ऑफ। ऑन द अदर हैंड इट वॉज सेड दैट द प्रियम्बल इज टू बी कंसिडर्ड फॉर इट इज द की टू ओपन द मीनिंग ऑफ द मेकर्स ऑफ द एक्ट एंड द मिस्चिफ इट वॉज इंटेंडेड टू रेमेडी। द मॉडर्न रूल लाइज बिटवीन द टू एक्सट्रीम्स एंड इज दैट वेयर द इनएक्टिंग पार्ट इज एक्सप्लिसिट
एंड अनएम्बिगुअस द प्रीएम्बल कैनॉट बी रिसोर्टेड टू कंट्रोल क्वालिफाई और रिस्ट्रिक्टेड बट वेयर द इनएक्टिंग पार्ट इज एम्बिगुअस द प्रीएम्बल कैन बी रिफर टू एक्सप्लेन एंड एलुसिडेटेड। मतलब हम लोग प्रीएम्बल को उस टाइम पे देखेंगे, देखो तो पहले क्या हुआ कि पहले बहुत सारे केस लॉज हुए और उसमें ये कहा गया कि जो प्रीएम्बल है वो मेन लॉ का पार्ट है ही नहीं, इसी वजह से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग हमें प्रीएम्बल को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट बाद में बहुत सारे ऐसे भी केस लॉज हुए जहाँ पे ये कहा गया कि द प्रीएम्बल इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन एंड हमें प्रीएम्बल को भी यहाँ पे देखना होगा। तो ये चीज़ आजकल के मॉडर्न में ये हो गई है कि अगर जो स्टैट्यूट है वो स्टैट्यूट मतलब जो मेन इनएक्टिंग पार्ट है उसमें अगर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें अगर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली हो, तो हमें यहाँ पे प्रीएम्बल को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इनएक्टिंग पार्ट में कोई एम्बिग्विटी है या फिर कोई कन्फ्यूज़न है, मतलब मेन लॉ में अगर कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है, तो हम उसमें उसे देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे ये जो केस लॉज वगैरह दिए गए हैं, ये केस लॉज को याद करना तो इम्पॉर्टेंट है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एंड ये केस लॉ को यहाँ पर इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये जो सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें किसी भी बेयर एक्ट में स्टेटेड नहीं होता है कि हमें कब प्रीएम्बल को देखना है और किस सिचुएशन में हम लोग प्रीएम्बल को नहीं देखेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें होती है, ये सब केस लॉज के ऊपर में ही इनको बेस किया जाता है, ठीक है। तो एक सेकेंड, इन पावल वर्सेज कैम्पटन पार्क रेस कोर्स लॉर्ड हेल्सबरी टू प्रोविजन्स आर क्वाइट क्लियर, वन दैट ए प्रीएम्बल मे अफोर्ड यूजफुल लाइट एज टू वॉट अ स्टैट्यूट इंटेंड्स टू रीच एंड अनदर दैट इफ इन एन इनैक्टमेंट इज इट सेल्फ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस नो प्रीएम्बल कैन क्वालिफाई और कट डाउन द इनैक्टमेंट। दिस रूल हैज़ बीन अप्लाइड टू द इंडियन स्टैट्यूट्स ऑल्सो बाय द प्रिवेसी काउंसिल एंड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया इन नंबर ऑफ केसेस। देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन, ये जो आंसर था, ये काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो गया बिकॉज इतने सारे केस लॉज यहाँ पे मैंने दे दिए हैं। बट स्पेसिफिकली यही है कि पहले बहुत सारे केस लॉज हुए जहाँ पे ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है उसका मेन एक्ट के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, एंड बाद में बहुत सारे ऐसे एक्ट्स कहे गए, ऐसे केस लॉज हुए जहाँ पे ये कहा गया कि प्रीएम्बल जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा चीज़ है। अब आजकल का जो जुडिशियरी है वो इस बात पे ध्यान देता है कि वो दोनों ही चीज़ों को लेकर के चलता है। वो ये कहता है कि अगर मेन एक्ट जो है उसमें अगर कोई भी अनएम्बिग्विटी, मतलब उसमें अगर कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है, उसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है, तो हमें प्रीएम्बल को देखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसमें कोई कन्फ्यूज़न वगैरह है तो हम वहाँ पर प्रीएम्बल को देख सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो सिचुएशन है जहाँ पे हम प्रीएम्बल को देखेंगे। अब बात करते हैं हेडिंग एंड टाइटल ऑफ अ चैप्टर, ठीक है। तो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एन एक्ट देयर इज जनरली फाउंड अ सीरीज और क्लास ऑफ इनैक्टमेंट्स एप्लीकेबल टू सम स्पेशल ऑब्जेक्ट एंड सच सेक्शंस आर इन मेनी इंस्टेंसेस प्रीसीडेड बाय अ हेडिंग। इट इज नाउ सेटल्ड दैट द हेडिंग्स और titles prefixed to sections or group of sections can be referred to in construing an act of the legislature, but conflicting opinions have been expressed on the question as to what weight should be attached to the headings. A heading, according to one view, is to be regarded as giving the key to the interpretation of clauses ranged under it, unless the wording is inconsistent with such interpretation, and so that the headings might be treated as preambles to the provisions following them. But according to the other view, resort to the heading can only be taken when the enacting words are unambiguous. So Lord
Goddard C.J. expressed himself as, however, the court is entitled to look at the headings in an act of parliament to resolve any doubt they may have as to unambiguous words. The law is clear that those headings cannot be used to give a different effect to clear words in the sections where there cannot be no doubt on the ordinary meaning of the word. Similarly, it was said by Patanjali Shastri J., nor can the title of a chapter be legitimately used to restrict the plain terms of an enactment. In this regard, the Madhya Pradesh High Court in Suresh Kumar v. Town Improvement Trust has held headings or titles prefixed to sections or group of sections may be referred to as constructions of doubtful expressions, but the title of a chapter cannot be used to restrict the plain terms of an enactment. The Supreme Court observed that the heading prefixed to sections or entries cannot control the plain words of the provision. They cannot be referred to or for the purpose of construing the provisions of the words when used in the देखो बेसिकली यहाँ पे भी प्रियम्बल के जैसा ही बात बोला गया है कि जैसे एक प्रियम्बल पूरे एक्ट के बारे में हमें बताता है कि ये एक्ट का बेसिक स्कोप या फिर ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक उसी तरीके से किसी भी चैप्टर का जो हेडिंग होता है वो हमें उस चैप्टर के बारे में बताता है कि ये जो चैप्टर है ये किस चीज़ के ऊपर में बेस्ड है। और यहाँ पे भी वो सेम प्रिंसिपल ही अप्लाई होता है कि अगर चैप्टर के किसी सेक्शन में या फिर चैप्टर में कहीं पे भी एम्बिग्विटी आ रहा है तो फिर उस सिचुएशन में हम लोग उस चैप्टर का जो हेडिंग और टाइटल वगैरह है उसको हम लोग देखेंगे ये समझने के लिए कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। बट अगर वो सारे सेक्शंस पूरे तरीके से यहाँ पे क्लियर हैं तो उस केस में हमें कुछ भी वैसा अलग से देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मतलब प्रियम्बल और इन दोनों का जो है वो सेम कंसेप्ट है। इसके बाद है वो है पार्लियामेंट्री हिस्ट्री। पार्लियामेंट्री हिस्ट्री जैसा कि मैंने कहा कि पार्लियामेंट में आने के बाद क्या क्या ऐसे यहाँ पे ये हुए, क्या क्या वहाँ पे एक्टिविटीज़ हुए जिनके बाद वो लॉ यहाँ पे पास हुआ, ठीक है। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करते हैं, सो द सुप्रीम कोर्ट एनन्सिएटेड द रूल ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन द वे इट इज़ एनन्सिएटेड बाई इंग्लिश कोर्ट्स, बट ऑन मेनी ओकेजन द कोर्ट यूज दिस एड इन रिजॉल्विंग क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन। द कोर्ट हैज़ नाउ वियर टू द व्यू दैट लेजिस्लेटिव हिस्ट्री विद इन सर्कमस्टेंस लिमिट्स मे बी कंसल्टेड बाई द कोर्ट्स इन रिजॉल्विंग एम्बिग्विटीज। इट हैज़ ऑलरेडी बीन नोटिस्ड दैट द कोर्ट इज एंटाइटल्ड टू टेक इन टू अकाउंट सच एक्सटर्नल और हिस्टोरिकल एज मे बी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टैट्यूट और हैव टू रिगार्ड द सराउंडिंग circumstances which existed at the time of passing of the statute. Like any other external aid, the inferences from historical facts and surrounding circumstances must give way to the clear language employed in the enactment itself. तो ये जो parliamentary history है ये basically हमें तब देखना होता है जब हमें, मतलब अगर हमें statute को समझने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि हम ये देखें कि जब ये स्टैट्यूट पास हुआ था तो उस टाइम पे क्या क्या चीज़ें हुई थी या फिर क्या क्या चीज़ें ऐसी थी जिसने स्टैट्यूट को बनाने में मदद किया या फिर स्टैट्यूट को बनाने में जिनका हाथ था, तो उस सिचुएशन में हम लोग पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखेंगे। मतलब अगर स्टैट्यूट को समझने के लिए यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है तो उस सिचुएशन में हम पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखेंगे, बट ऐसे नॉर्मली हमें पार्लियामेंट्री हिस्ट्री को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद आता है कि प्रोवाइजो को यहाँ पे कब देखा जाएगा। सो व्हेन वन फाइंड्स अ प्रोवाइजो टू अ सेक्शन द नेचुरल प्रिजम्पशन इज दैट बट फॉर द प्रोवाइजो द इनएक्टिंग पार्ट ऑफ द सेक्शन वुड हैव इंक्लूडेड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द प्रोवाइजो। इन द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड मैकमिलन द प्रॉपर फंक्शन ऑफ अ प्रोवाइजो इज टू एक्सेप्ट is to exempt होगा and to deal with the case which would otherwise fall within the general language of the main enactment and its effect is confined to the case. As stated by Hidayatullah, as a general rule, a proviso is added to an enactment to qualify or create an exception to what is in the enactment, and ordinarily a proviso is not interpreted as stating a general rule. A distinction is said to exist between the provisions word proviso, exception or saving clause. Exception is intended to restrain the enacting clause to particular cases. Proviso is used to remove special cases from the general enactment and provide for them specifically, and saving clause is used to preserve from destruction certain rights, remedies or privileges already existing. तो basically जो proviso है उसको उस
टाइम पे इस्तेमाल किया जाता है जिस सिचुएशन में हमें कोई एक्सेप्शन देना है या फिर एक ऐसा सिचुएशन को वहाँ पे बताना है जिस सिचुएशन में वो नॉर्मल जो बेसिकली प्रोविजंस है वो अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है। उस सिचुएशन में जो प्रोवाइजो है वो इस्तेमाल यहाँ पे किया जाएगा। अब स्टैट्यूट्स इन पैरिमिटेरिया हम लोग कब इस्तेमाल करेंगे, जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा लॉज हैं एंड एक लॉ को समझने के लिए अगर दूसरा लॉ का समझना यहाँ पे ज़रूरी है तो उस केस में स्टैट्यूट्स इन पैरिमिटेरिया को जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा है कि फॉर इंस्टेंस बहुत सारे ऐसे लॉज होते हैं जहाँ पे ये स्पेसिफिकली मेंशन रहता है कि अगर हमें ये समझना है तो हमें इस एक्ट में जाना पड़ेगा, जैसे जो ये है इनकम टैक्स एक्ट है उसमें बहुत जगहों पे ये लिखा हुआ रहता है कि जो ये है मतलब बेसिकली इस एक्ट में अगर ये मीनिंग समझना है तुमको यहाँ पे इस पे जाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं क्या था इसमें, अगर तुमको ये चीज़ समझना है तो तुमको दूसरे एक्ट में जाना पड़ेगा। जैसे इनकम टैक्स एक्ट में बहुत जगह लिखा हुआ है कि इसका मतलब वही है जो कि कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, तो उस केस में हमें स्टैट्यूट्स इन पैरिमिटेरिया में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं तो ये क्वेश्चंस का आने का चांसेस अलग से नहीं है, बट सिंस ये क्वेश्चन 2022 में आया है तो इसका आने का चांस तो है बट नॉट दैट मच, ठीक है। और ये जो लास्ट का क्वेश्चन है ये अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, ये हम लोग पहले ही जब हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स को समझा था तो उस टाइम पर ये हो गया था, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बोले तो हमारा जो पहला पोर्शन है इंटरप्रिटेशन वाला वो अच्छा खासा यहाँ पे हो गया है। अब इसके बाद थोड़ा बहुत ही चैप्टर्स है जो कि यहाँ पे बचा हुआ है एंड आफ्टर दैट हमारा जो ये होगा पार्ट ए होगा वो यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा।